नमस्कार, जैसे शाम गीता टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने ही चैनल के कुछ वीडियोस के बारे में बताना चाहती हूँ कि स्पेशली उन लोगों के लिए जो शुरू से अभी तक मेरा वीडियोस नहीं देखे, मेरे चैनल में जाके आप मेरे पास्ट वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी मेडिकली ट्रीटमेंट का भी मैंने आप लोगों को उपाय बताया है। और बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, छोटी छोटी मतलब बीमारियां थोड़ी बड़ी है लेकिन उनका इलाज बहुत ही छोटा छोटा और बहुत ही इजी है। जैसे कि टॉन्सिल का मैंने बताया है कि 5 मिनट में आपकी टॉन्सिल ठीक हो सकती है पापड़ खाने से। इन पापड़ खाने का तरीका मैंने उसमें बताया कि किस तरह खाना है। पापड़ से आप टॉन्सिल ठीक कर सकते हो, हरी मिर्च से आप अपनी चणक ठीक कर सकते हो। ये सारे टोटके मतलब ये जितने भी मैंने उपाय बताए हैं अपने वीडियोस में, सारे के सारे रामबाण इलाज है और सब इफेक्टिव है, कुछ भी फेक नहीं है। क्योंकि मोस्टली यूट्यूब में फेक वीडियोस बहुत होते हैं, मेडिकली भी मैंने देखे बहुत फेक वीडियोस होते हैं, लेकिन मेरे जितने भी वीडियोस है मेरे सारे बहुत ही इफेक्टिव है। पहले बात मैं बता दूं कि टॉन्सिल के लिए जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो मेरी कोई भी दवाई बहुत मेहनत वाली एक तो नहीं है कि ये पाउडर पीसो, ये चूरण पीसो, उसके बाद ये खाओगे, ये उकालोगे, इसका काढ़ा बना के पियोगे तब जाके ठीक होगा। मेरे घरेलू चीज जो अपने लोग यूज करते उसी से मेरा ट्रीटमेंट बनाया हुआ है और ये बहुत ही सालों से हम लोगों का आजमाया हुआ सारा ट्रीटमेंट है जिसे आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि टॉन्सिल का मैंने बताया कि पापड़ से कैसे आप टॉन्सिल ठीक कर सकते हो। चणक के बारे में बताया है मैंने कि हरी मिर्च से आप चणक कैसे ठीक कर सकते हो। एक बात मैं अपने उस वीडियो में बताना भूल गई थी चणक के बारे में। मैंने ये तो बताया था कि जहाँ पे चणक आई हो वहाँ पे आप हरी मिर्च को ऐसे लगा के फेंकोगे तो आपकी चणक ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में चणक कहाँ आती है, लोगों को नहीं पता। उसके लिए पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह सपोज अपने चणक यहाँ आई है लेकिन एक दिन दो दिन यदि निकल गया तो चणक फैल के यहाँ से यहाँ तक पूरी आ जाती है, थोड़ा राउंड शेप में वो आ जाती है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि चणक यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। तो जिस तरह की आप तो आपको ना उस पॉइंट को दबा के देखना होगा। इसके कारण मेरे यूट्यूब के जितने भी दर्शक है उन लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में। उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि चणक जैसे इतनी दूर में आपको फील हो रहा है तो आपको उसको पॉइंट से ऐसे दबा के देखना है। सपोज यहाँ अब यहाँ आप दबा रहे हो और यहाँ आपको एक पॉइंट में अलग से दर्द नजर आ रहा है, अलग से एक दर्द फील हो रहा है, तो समझो कि चणक आपके इस नस में आई है। आप यहाँ दबा रहे हो यहाँ दर्द नहीं हो रहा है, यहाँ दबा रहे हो यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप इस नस को दबा रहे हो और आपके इसी नस में दर्द हो रहा है तो उसी नस के ऊपर आपको हरी मिर्च का टोटका करना है। ठीक है, यदि आपके चणक की नस यहाँ है और आप यहाँ यदि उस नुस्खा को कर रहे हो, हरी मिर्च का टोटका यदि आप यहाँ करें तो आपके कोई काम नहीं करेगा वो। इसलिए जैसे जो नस होती है जस्ट इसी पॉइंट पे मेरे दर्द है उसी पॉइंट पे यदि आप करोगे तो ही वो नुस्खा काम आएगा, वरना वो नुस्खा काम नहीं करेगा हरी मिर्च का। तो उसमें आप पूरा वीडियो देखिएगा, लेकिन उसमें बस ये चीज थोड़ा बाई मिस्टेकली मैंने बताया नहीं था, मैं भूल गई थी बताने के लिए कि मुझे नहीं पता था लोग इतना समझ नहीं पाएंगे। तो उसमें आपको नस को इस तरह दबा के देखना होगा और चणक यदि है ना तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपको दबाने पे दर्द करेगी। एक पॉइंट ऐसे आप दबाओगे तो सिर्फ इसी पॉइंट पे दर्द करेगा, इसके आसपास के एरिया को यहाँ यहाँ दबाओगे यहाँ यहाँ दबाओगे तो वो दर्द नहीं होगा। ऐसे आपको फील होगा कि चारों तरफ चणक का दर्द है लेकिन चारों तरफ नहीं रहता, वो थोड़ा सा फैल जाता है, लेकिन नस एक ही रहती है। एक ही नस के ऊपर मैं आप ऐसे उंगली दबा के देखो, जैसे इस नस पे आपके दर्द हो रही है तो इसी नस पर आपको हरी मिर्च का टोटका करना है। ये मैंने चणक के बारे में था। यदि ये आप करते हो तो आपकी आधे घंटे में चणक कहाँ चली जाएगी आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आपकी चणक थी भी क्या, भूल ही जाओगे दोबारा, ऐसा है ये। लेकिन अब एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया था कि दीदी मैंने 8-10 बार हरी मिर्च वार के फेंक दिया लेकिन मेरे ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कि आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने जब उनसे बात करके उनसे पूछा तो बोले कि मैं गर्दन घुमाता हूँ तो मेरे को दर्द होता है। तो हमने जब गर्दन घुमाता आप मिर्ची कहाँ लगा रहे हो, तो बोले कि मैं तो जहाँ समझ में आ रहा वही लगा दे रहा हूँ, तो मैंने तो इतनी बार मिर्ची वार के फेंक दी लेकिन मेरे तो हुआ नहीं। तो मैंने बोले कि ऐसे करने से नहीं होगा, आप गर्दन घुमाने से आपको दर्द हो रहा था, पहले आप गर्दन की नस को पकड़े कि किस नस में आपके दर्द हो रहे हैं, क्योंकि इसमें फिर बदनामी मेरी है ना, यदि मेरा नुस्खा काम नहीं करा तो लोग बोले लो फेक नुस्खा बता रहे हैं। तो चणक
गर्दन घुमाने पर यहाँ हो रहा है कि यहाँ हो रहा है, ये आपको खुद को देखना होगा। पीठ में है, पीठ में भी लगेगा, काफी बड़े पोर्शन में आपके चनक आ गई है, लेकिन वो पॉइंट एक ही रहेगा जहां आपको दर्द होगा। उस पॉइंट को जब तक आप खोजोगे नहीं और तब उसके परिधि आप मिर्ची का टोटका नहीं करते हो, तब तक वो आपके असर नहीं करेगा। इसमें आपको नस को खोजना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस नस में चनक आई है तभी टोटका काम करेगा, वरना नहीं करेगा। और दूसरी बात, मैंने सुगर के घाव के लिए बताया है, मवाद के घाव के लिए बताया है कि बरसों पुराना घाव भी रहता है ना मवाद का, तो भी किस तरह ठीक होता है, वो भी रामबाण इलाज है, आप उसको भी आजमा के देख सकते हो। पाइल्स के बारे में बताया, पाइल्स भी आपके बहुत आसानी से उससे ठीक हो सकती है। फिर गोरा होने की भी मैंने टिप्स दी है, वो भी एकदम रामबाण इलाज है उसका भी। गोरा यदि बहुत सावला स्वरूप है किसी का, तो उसमें मैंने गोरा होने की भी टिप्स जो दी है, वो भी कोई फेक टिप्स नहीं है, वो भी अजमाई हुई टिप्स है, वो उससे आप बहुत अच्छे से गोरे हो सकते हो। फिर अभी लूज मोशंस की टिप्स दी है, वो भी तुरंत ठीक होता है, ऐसे मत नहीं कि वो भी असर नहीं करता। बहुत सारी इस तरह की बीमारियों की टिप्स आप देखिएगा, जैसे छोटे बच्चे दवाई लेने में आनाकानी करते हैं, दवाई लेते उल्टी कर देते, उसके बारे में मैंने बताया कि किस तरह छोटे बच्चों को दवाई देनी चाहिए। तो बहुत सारी टिप्स है, मुझे और याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप बैक में जाके देखिएगा, बहुत सारी बीमारियों के मैंने बताया है। त्वचा जलने पर तुरंत क्या लगाना चाहिए जिससे कि आपके फफोले न पड़े, ये सारी वीडियोस मैंने बनाए हैं और आप सबकी भलाई के लिए बनाए हैं। लोग एक जनहित की भलाई के लिए मैंने ये कार्य किया है कि लोगों की मैं दूर बैठ के भी सेवा कर सकूं। तो प्लीज आप मेरे उन सारे वीडियोस में जाके देखिएगा, तो आपको ट्रीटमेंट का जितना भी इलाज है बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, कोई भी भागदौड़ वाला नहीं है, कोई भी चूर्ण पीसना नहीं है, कोई काढ़ा नहीं बनाना है, बहुत सिंपल और सरल उपाय है और उन सबको आप आजमा के देख सकते हो। यदि वो आपको फायदा नहीं भी किया तो नुकसान तो भगवान की कृपा से नहीं ही करेगा, तो आप ये करके देखो। अभी मैंने एक अलाई का भी वीडियो अपलोड किया है, तो अलाई भी बहुत अच्छे से वो ठीक होती है, घमोरिया जिसे आप लोग कहते हो, तो वो भी बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। तो प्लीज आप यदि मेरे पास्ट वीडियोस में नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके नीचे के सेट में जितने भी वीडियोस है आप सबके टाइटल आप पढ़िए, देखिए कौन कौन सा आपकी यूजफुल है, वो सारा वीडियोस आप देखिए। आपके जो भी टिप्स की जरूरत हो आप उसे आराम से देख के उसको आजमा सकते हैं। तो मेन चनक के लिए तो लोगों को थोड़ा हो रहा था, और फटी एरिया, ठंड में एरिया बहुत फट जाती है लोगों की, जैसे नॉर्मल थोड़ी बहुत फटती हो तो आपकी 2 या 3 दिन में ही ठीक हो जाती है, लेकिन जिनकी मोटी मोटी एरिया फट जाती है, जिसके बीच में दरार आ जाती है, उस तरीके की एरिया फटी है तो 15 से 20 दिन में आपकी इतनी मोटी फटी हुई एरिया भी एकदम नॉर्मल हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है आपको, लेकिन आप करके देखो और उसके बाद देखो कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिए, उसमें क्या कमी हो रही मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो ये मेरी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे अब तक चैनल में जाके इन वीडियोस को नहीं देखा उनसे मैं कहूंगी आप लोग देखिए। बच्चों से रिलेटेड भी है, बड़ों से रिलेटेड भी है, आपका बच्चा यदि नहीं बोल पा रहा है तो उसका भी मैंने टोटका बताया है, वो भी देखिए। टोटका मतलब सिर्फ एक टोना टोटका वाला टोटका नहीं होता है, कई चीज का एक टोटका होता है, अलग इलाज वाला टोटका है, ये टोना टोटका वाला टोटका नहीं है। तो आप उस चीज में भी जाके देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो और क्या चीज से आपकी क्या चीज ठीक हो सकती है, बहुत ही सिंपल और सरल उपाय है। तो प्लीज आप लोग जाके मेरे पास्ट वीडियोस में देखिए, आपको जरूर हर चीज की जानकारी मिलेगी। यदि आप लोग को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करना न भूले। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, अलविदा।